लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, उसी को देखते हुए इंदौर पुलिस की जो प्रति मंगलवार को जनसुनवाई होती है उसमें फेर बदल किया गया है। आपको बता दें कि इंदौर पुलिस ने भी अन्य विभागों की तरह कोरोना वायरस को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में प्रति मंगलवार जो जनसुनवाई होती है उसमें फेर बदल किया गया है। आपको बता दें कि प्रति मंगलवार जो जनसुनवाई होती है उसमें डीआईजी रुचि वर्धन मिश्र पीड़ितों से मुलाकात करती थी और उनकी समस्या का समाधान करती थी। वहीं कोरोना वायरस को देखते हुए इंदौर डीआईजी रुचि वर्धन मिश्र शिकायतकर्ता से चर्चा करेंगी और उनकी समस्या का समाधान करेंगी। बता दें कि रुचि वर्धन मिश्र का यह तर्क है कि इंदौर पुलिस के सामने कई बार ऐसे मामले आते हैं जिन पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक होती है, अतः जनसुनवाई को निरस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन वायरस को देखते हुए उसमें फेरबदल किया जा सकता है। उसी क्रम में डीआईजी शिकायतकर्ता से 1-to-1 मुलाकात कर उनकी समस्या का समाधान करेंगी। वहीं दूसरे विभागों में देखा जा सकता है कि कोरोना वायरस को लेकर इंदौर कलेक्टर ने जनसुनवाई को 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये प्रशासन के जो निर्देश है उसमें कहीं भी 20 से अधिक की संख्या में भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग इसका एहतियात बरतें, इसको लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि कहीं भी लोग इतनी संख्या में इकट्ठा ना हो, चाहे वो हमारे ऑफिस हो या थाने हो या अन्य कोई जगह हो। तो इसमें बहुत ही आकस्मिक परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर 1-by-1 हम शिकायतों को सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा बड़ी गैदरिंग हम डिस्करेज कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।